नमस्कार दोस्तों, दीपास आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कैटरपिलर। जो छोटे बच्चे के लिए ये ड्राइंग है बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए ड्राइंग पेपर, पेंसिल, इरेजर, स्केल और क्रेयॉन्स कलर की जरूरत है। सबसे पहले हम इस पेपर में चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ खींचेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ बॉर्डर लाइन ली। कैटरपिलर बनाने के लिए हमें सर्कल बनाने हैं, एक के ऊपर एक सर्कल। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे पैर भी बनाएंगे। जो ऊपर की तरफ जो पैर जा रहे हैं उसके हम ऑपोजिट साइड पर पैर बनाने पड़ेंगे हमें। इसे हम थोड़ा और डार्क करेंगे तभी बराबर समझ में आएगा। हम इसे और थोड़ा डार्क बनाएंगे। इस तरह से हमने ये कैटरपिलर ड्रॉ कर लिया। साइड में हमें थोड़े से फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं। ऐसे हम दूर दूर पर कुछ फ्लावर ड्रॉ कर लेते हैं। हाफ सर्कल करके उसके ऊपर ही हम कुछ फ्लावर ड्रॉ कर लेते हैं। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। बाकी हम कुछ जगह पर ग्रास बना देंगे, वो हम आपको डायरेक्टली ड्राइंग पे कलर्स करने के टाइम ही बता देंगे। इस तरह से हमारा ये पिक्चर्स रेडी हो चुका है। अब हम इसे क्रेयॉन्स कलर करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन कलर से इस कैटरपिलर को ड्रॉ कर देंगे। सारे सर्कल्स को हम ग्रीन कलर से ही ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में जो हमने छोटे सर्कल बनाए हैं उसे हम बेबी पिंक कलर या डार्क पिंक कलर से सर्कल कर देंगे। तरह से हमने ये ग्रीन कलर कर लिया है। अब हम इसे हर एक राउंड शेप में ब्राउन कलर कर देंगे ताकि वो और अच्छा दिखे। अब हम उसके पैर ब्राउन कलर कर देंगे। और उसने जो सॉक्स पहने हैं कैटरपिलर ने वो हम कोई भी लाइट कलर की शेड के कर देंगे। जैसे ये है येलो कलर है। ये कलर है।
हम उसे ब्लू कलर की आउटलाइन देंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है कलर के लिए। अभी हमें फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं। आप कोई भी कलर्स के फ्लावर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। हम ये छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा कलर यूज नहीं कर रहे हैं। हम फ्लावर्स को भी रेड एंड येलो कलर में ही करेंगे या तो फिर ऑरेंज कलर। तरह से हमने फ्लावर्स को भी कलरिंग शीट में ड्रॉ कर लिया है सारे कलर्स में। अब हमें इसे ग्रीन कलर के इफेक्ट देना है तो हम उसे इस शेप में देंगे। हमें स्ट्रेट ही करना है ताकि हम इसे ग्रास दिखा सकें। इस तरह से हमें सारे पेपर में इसी तरह से करना है। कैटर पिलर के आसपास भी हमें कुछ इसी तरह का ग्रास दिखाना है। हम सारे पेपर में इसी तरह के लाइंस ड्रॉ कर देंगे। कुछ लाइट डार्क उसकी बाजू में कुछ डार्क कलर की सारे पेपर में हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना है। ऊपर की तरफ हम स्काई का बैकग्राउंड देंगे जिसे हम लाइट स्काई ब्लू कलर में करेंगे। जैसे हल्के हाथों से ऊपर की तरफ कलर कर दीजिए ताकि ये स्काई और नीचे हमें ताकि ये वाइट कलर रह गए हैं वहाँ पर हमें हल्के हाथों से कलर हमें हल्के हाथों से कर देना है ताकि हमारे पेपर में कोई भी वाइट जगह ना बचे। और जो हमारा ये जो बॉर्डर लाइन है उसे हम एक डार्क ग्रीन कलर में हम उसे आउटिंग देंगे। इस तरह से हमारा ये आज का कैटरपिलर ड्रॉ फिनिश्ड हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।